नमस्कार, मैं रामलाल डांगी, टेक्नीशियन जीपीसी उदयपुर। आज का टॉपिक वेरीफाई द ट्रू टेबल ऑफ नॉट एंड और नैंड नॉट एक्स और एक्स नॉट गेट पार्ट सेकंड रिक्वायर इंस्ट्रूमेंट एंड रॉ मेटेरियल लॉजिक गेट टर्नर किट मल्टीमीटर कनेक्टिंग लीड इत्यादि। जैसा कि हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा कि लॉजिक गेट डिजिटल सर्किट होते हैं जो 1 या 0 इनपुट पर कार्य करते हैं। इनके इनपुट एवं आउटपुट में रिलेशनशिप होती है जिसे बूलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने बेसिक गेट नॉट एंड नॉट के बारे में पढ़ा। आज हम नैंड नॉट एक्स और एक्स नॉट की ट्रू टेबल वेरीफाई करेंगे। नैंड गेट, इसका सिंबल इस डायग्राम की तरह होता है। इसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं एवं 1 आउटपुट होते हैं। इसका आउटपुट इनपुट के मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्ट होता है, यानी y = a.b का होल बार। इन टर्नर किट में a एवं b इनपुट को नैंड गेट के इनपुट पर कनेक्ट करेंगे एवं आउटपुट को LED से कनेक्ट करेंगे। अब गेट के इनपुट a एवं b पर 0 इनपुट देंगे तो LED ऑन होगी, यानी 1 आउटपुट आता है। अब A पर 0 एवं B पर 1 इनपुट देने पर भी LED ऑन होगी, यानी 1 आउटपुट आता है। नेक्स्ट, A पर 1 एवं B पर 0 इनपुट देने पर LED ऑन होगी, यानी 1 आउटपुट आता है। लास्ट में गेट के दोनों इनपुट A एवं B पर 1 इनपुट देने पर LED बंद होती, यानी 0 आउटपुट आता है। अतः नैंड गेट में 1 भी इनपुट 0 होने पर आउटपुट हमेशा 1 आएगा। नॉर गेट, इसका सिंबल इस डायग्राम की तरह होता है। इसमें भी 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं एवं 1 आउटपुट होता है। इसका आउटपुट इनपुट के एडिशन का इन्वर्ट होता है, यानी a + b का होल बार। टर्नर किट के a एवं b इनपुट को नॉट गेट के इनपुट पर कनेक्ट करेंगे एवं आउटपुट को LED से कनेक्ट करेंगे। अब गेट के इनपुट पर a एवं b दोनों पर 0 इनपुट देंगे तो LED ऑन होगी, यानी 1 आउटपुट आता है। पुनः गेट के a पर 0 एवं b पर 1 इनपुट देंगे तो LED बंद हो जाएगी, यानी 0 आउटपुट होता है। नेक्स्ट, A पर 1 एवं B पर 0 इनपुट देंगे तो भी LED बंद होगी, यानी 0 आउटपुट आता है। लास्ट में गेट के इनपुट a एवं b दोनों पर 1 इनपुट देंगे तो भी LED बंद होगी, यानी 0 आउटपुट आता है। अतः NOR गेट में 1 भी इनपुट 1 होने पर आउटपुट हमेशा 0 आएगा। एक्स नॉर गेट, इसका सिंबल इस डायग्राम की तरह होता है। इसमें भी 2 या 2 से अधिक इनपुट एवं 1 आउटपुट होते हैं। इसका बूलियन एक्सप्रेशन y = a.b का बार प्लस a⁻⁶ होता है। ट्रेनर किट में a एवं b इनपुट को गेट के इनपुट से कनेक्ट करेंगे एवं आउटपुट को LED से कनेक्ट करेंगे। अब गेट के इनपुट a एवं b पर 0 0 देने पर आउटपुट में LED बंद होगी, यानी 0 आउटपुट आता है। अब इनपुट a पर 0 एवं b पर 1 इनपुट देंगे तो LED ऑन होगी, यानी 1 आउटपुट आता है। नेक्स्ट, इनपुट a पर 1 एवं b पर 0 इनपुट देंगे तो भी LED ऑन होगी, यानी 1 आउटपुट आता है। लास्ट में इनपुट a एवं b दोनों पर 1 इनपुट देंगे तो LED बंद होगी, यानी 0 आउटपुट आता है। अतः एक्स और गेट में ओड इनपुट पर 1 आउटपुट आता है एवं इवन इनपुट पर 0 आउटपुट आता है। एक्स नॉर गेट, इसका सिंबल इस डायग्राम की तरह होता है। इसमें भी 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं एवं 1 आउटपुट होते हैं। इसका आउटपुट XOR गेट के आउटपुट का इन्वर्ट होता है, यानी
y इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार प्लस ए बार डॉट बी का होल बार, यानी या ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार। ट्रेनर किट के इनपुट से ए एंड बी को जोड़ेंगे एम एक्स नॉर गेट के इनपुट से कनेक्ट करेंगे एवं आउटपुट को एलईडी से कनेक्ट करेंगे। अब गेट के इनपुट ए एवं बी पर 0-0 इनपुट देने पर एलईडी ऑन होगी, यानी 1 आउटपुट आएगा। अब गेट के इनपुट ए पर 0 एवं बी पर 1 इनपुट देंगे तो भी एलईडी बंद होगी, यानी 0 आउटपुट आएगा। नेक्स्ट गेट के इनपुट ए पर 1 एवं बी पर 0 इनपुट देंगे तो भी एलईडी बंद होगी, यानी 0 आउटपुट होगा। लास्ट में गेट के इनपुट ए एवं बी दोनों पर 1-1 इनपुट देने पर एलईडी ऑन होगी, यानी 1 आउटपुट होगा। अतः एक्स और गेट में ओड इनपुट पर 0 एवं इवन इनपुट पर 1 आउटपुट मिलता है।